अभी लॉन्च कंट्रोल है सर। स्पीड लिमिट कर दी उसने। अब इसके बाद आपको उसने क्लच छोड़ना होता तो ये लॉन्च कर दिए। ओके 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 ओके। और ओनरशिप रिव्यू क्या है, ओनरशिप जो ओनर है इसके वो किस टाइप का इस चीज पे सजेशन देते हैं, फीडबैक देते हैं बाइक पे। तो आज कुल मिला के हमने उस टाइप की एक वीडियो बनाई है जिसमें वन ऑन वन इंटरव्यू किया है मैंने इस ZX10R बाइक के प्राउड ओनर जो कि मोहम्मद है, बहुत अच्छे दिल के आदमी हैं और बहुत ही फ्रैंक बंदा है। तो उनका इंटरव्यू किया है अपन ने, एक तरीके से वन ऑन वन इंटरव्यू, वैसा प्रोफेशनल टाइप नहीं किया है लेकिन दिया है कि तुम्हें काफ़ी डिटेल्स मिल जाएगी कि इसमें मॉडिफिकेशन क्या हुए हैं इस बाइक में। इस बाइक में फ्यूब का विंडस्क्रीन लगा हुआ है, फ्रेम स्लाइडर्स लगे हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई है। तो आप लोग आज का ब्लॉग ध्यान से देखो, मज़ा आने वाला है। और कितने का है, क्या है, कौन सा टायर इसमें अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और उनका रिव्यू क्या है, बाइक में कुछ ड्रॉबैक लगे या कुछ बाइक की अच्छी क्वालिटीज लगी उसके बारे में, तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने आज डिस्क्राइब किया है हमारे साथ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, मज़ा आने वाला है। और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग मैजिशियन एडी एंड फक्र से बोलो आई एम मैड। सो पीस आउट, जब तक आप वीडियो देखो उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ कल यानी कि अगले ब्लॉग में। सो थैंक यू सो मच एंड वीडियो पे लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा एंड इस बाइक के बारे में आप और क्या जानना चाहते हो। सो सी यू गाइस एंड स्टे ट्यून्ड, पीस। तो ये है हमारी ZX10R और ये है इसके प्राउड ओनर जिसके साथ हमने राइड की है। तो आपका नाम क्या है भाई? माय नेम इज मोहम्मद। ऐसा यूट्यूब चैनल बनाने की नहीं सोची? नो, इतना टाइम नहीं है मुझे। नहीं बनाना भी नहीं, मैजिशियन एडी को नहीं तो कोई नहीं देखेगा। ओके, वैसे कितना टाइम हो चुका है आपको ये बीस्ट ओन करते हुए? मुझे इसको ओन करते हुए गया है एक साल। एक साल से ओन कर रहे हो? जितनी बाइकें रखता हूँ सब 5-6 महीने में बदल देता हूँ। ओके, पर ये मेरी पहली बाइक है इसको मैं एक साल से ओन। तो इसके पहले कौन सी बाइक थी? इसके पहले मेरे पास CBR 1000 थी। CBR 1000, ओके। CBR 1000RR थी। ओके। वो भी HRC एडिशन में। ओके। या फिर एक थी Suzuki GSXR 1000 जो पूरे इंडिया में सिर्फ 10 है। GSXR 1000 जो इंडिया में 10 है सर। मेरे भाई की है, मैंने चलाई है, वो सिर्फ इंडिया में सिर्फ 10 है। क्या बात है, जूनियर। वाओ, और इसमें आपने क्या क्या चीजें मॉडिफाई कराई है, क्या क्या चीजें एडिशनली डलवाई है वो बता सकते हो हमारे व्यूअर्स को? सामने देखेंगे तो आपको पहले दिखेगा फ्यूब की विंडस्क्रीन। प्यूक की विंड स्क्रीन डलवाई है। ओके, एंड देन यू विल सी प्यूक डाउनफोर्स स्पॉयलर्स। ओके, प्यूक के स्पॉयलर्स हैं। ये काफी बल्की लुक दे रहे हैं इसको। तो ये बेसिकली जब एयर आती है उसको नीचे पुश करके गाड़ी को उठने नहीं देते क्योंकि ये गाड़ी पॉप अप बोर्ड होती है बिकॉज ऑफ द पावर। बाकी इसके प्राइसिंग क्या है विंड स्क्रीन का और स्पॉयलर्स का? विंड स्क्रीन कुछ 11,000 की आती है। 11,000? ओके, और स्पॉयलर 30,000 के आते हैं। सॉरी, 30,000 के स्पॉयलर्स हैं। वाओ, और इसमें और क्या क्या काम करवाया आपने? परफॉर्मेंस का ये है कि आप अगर थोड़ा अटेंशन क्लोज करेंगे, ओके, तो ये टाइटेनियम हेडर्स है रेनबो कलर के, राइट। ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है फ्रॉम SC प्रोजेक्ट। ओके, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है SC प्रोजेक्ट का। फोकस ये है, इट्स रिटन MotoGP परफॉर्म टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी, राइट राइट राइट। और बाकी इसमें सारी चीजें तो है ही, नो डाउट बाइक अलग ही बीस्ट है। और इसका एवरेज जो हमेशा एक पूछना तो गलत है लेकिन हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं फिर भी, इसका एवरेज क्या होगा? मैंने इसको जब से ट्यून करवाई है मंत्र रेसिंग से, इसके ECU ट्यून है इसका। ओके, स्टेज 2 का लेवल ट्यून है इसमें। तो आफ्टर दैट इसका सेट होने के बाद एवरेज कुछ 8 या 9 का निकलता है। 8 या 9 का एवरेज है? ओके, और उसके पहले स्टॉक एग्जॉस्ट पे क्या था एवरेज? कुछ 14 या 15 का था। 14-15 का काफी ज्यादा है, मतलब 1000 CC के हिसाब से तो अच्छा एवरेज है, बट स्टॉक पे कौन चलाता है बाइक वो भी बात है। नो डाउट दिस इज अ बीस्ट। और आप कब से इसे ओन कर रहे हो? 1 ईयर हो गया, राइट? मुझे 1 ईयर हो गया है। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसको 1 ईयर से ओन कर रहे हो, तो मतलब क्या इसके ड्रॉबैक या क्या इसके फायदे लगे आपको? बाइक बहुत अच्छा है, नो डाउट। जापानीज बाइक जितनी भी है सब बहुत अच्छी होती है, राइट, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। बहुत पावरफुल बाइक है। ओके, मतलब उसको न्यू राइडर्स नहीं चला सकते। न्यू राइडर्स नहीं चला सकते? ओके, बहुत पावरफुल बाइक है। 0-100 आता है
जीरो टू 100 आता है 3 सेकंड्स में। 3 सेकंड्स वाओ। ट्यूनिंग के बाद 2.5 क्रॉस करता है अगर मैं ट्रैक्शन इसका कंट्रोल ऑफ करके ओके और लॉन्च का ऑन कंट्रोल ऑन करके हाँ तो ये 2.5 सेकंड में 0 to 100 आ जाता है। वाओ। और अभी तक आप इसे टॉप स्पीड क्या ले गए हो? टॉप स्पीड मैं इसको ले गया हूँ 250 और बाकी सुपर बाइक से मैंने पूरा 299 क्लॉक किया है। वाओ। So, अभी लाइक इसको भगाने की कायदे से जगह नहीं है यहाँ पे, जगह नहीं है यहाँ पे, सीहोर तक पे भी आप इजीली नहीं कर सकते क्योंकि मैंने जितनी बाइक राइड की उसमें भूसा वगैरह सारी चीजें, बट दिस इज समथिंग ऑन अनदर लेवल। बाकी टायर्स बहुत सेक्सी लग रहे हैं, उसका क्या है, टायर्स कौन से इसमें? ये इसमें टायर है पिरेली के डायब्लो सुपर कोर्सा। डायब्लो सुपर कोर्सा ओके। तो ये बेसिकली ये टायर जो ट्रैक फोकस टायर होते हैं ओके और इसकी लाइफ से वो सिर्फ 3000 प्लस होती है। 3000 किलोमीटर बस। और इसकी प्राइसिंग क्या होती है? ये कुछ आते हैं 58,000 के आते हैं। 50,000 के? क्या बात है। और इसका मतलब ग्रिपिंग तो नो डाउट पर ब्लू बन के चलती है रोड से। वही वही देख रहे थे वो तो हम, हमारे व्यूअर्स ने देखा वो तो, क्योंकि मुझे ये टायर मैंने इस कारण डाला है क्योंकि मैंने इसको इतना ट्यून करवा दिया था, इतना पावरफुल हो गया था गाड़ी, तो ये इसका टायर हमें जो स्पिन मारता था राइट, तो मुझे मेरे किसी एक्सपर्ट्स ने बोला कि आप इसमें पिरेली का डालो ओके हाई परफॉर्मेंस टायर जो इसको अच्छी ग्रिप देगा। राइट राइट राइट। टायर्स बहुत जरूरी है किसी भी बाइक के लिए नो डाउट। और बाकी इसमें और भी कुछ मॉडिफिकेशंस, बाकी टैंक पैड वगैरह ये लगा हुआ था, स्टॉक था? स्टॉक था नहीं, ये सब मैंने लगवाया अलग से। अलग से लगवाया राइट। इजी का ग्रिप है जो थाई ग्रिप देता है अपन। राइट राइट राइट। अपन लीनिंग कर रहे हो तो उसकी ग्रिप मिलती है अपन को। राइट, क्या बात है। तो इसका एक्सपीरियंस आपका पर्टिकुलरली कैसा रहा मैं वो जानना चाहता हूँ कि अभी तक आपको अच्छी लगी बाइक की, बहुत अच्छी लगी कि खराब लगी, मतलब क्या इसके ड्रॉबैक या क्या इसके अच्छी चीजें आप बता सकते हैं? कोई सी भी हो अच्छी होती है नो डाउट। ZX-NR इज माय वन ऑफ माय फेवरेट बाइक और ये मेरी पहली ZX-NR नहीं, मेरी दूसरी ZX-NR है ओके। इससे पहले मेरे पास थी 2014 वाली ZX-NR, वो ओल्ड शेप था। और ये कौन सा मॉडल है? ये 2018 वाली है, न्यू शेप ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू शेप ओके। या सो इसकी कुछ पांच खूबियां, इसकी पांच खूबियां, एक तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए बहुत लोडेड है हाँ, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दे दिया सबसे बड़ी चीज है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, क्विक शिफ्टर है, लॉन्च कंट्रोल है राइट, इंजन ब्रेकिंग सिस्टम है, ABS है, वो बहुत सारे फंक्शन है इसके अंदर ओके या। और बाद लाइट बाइक होते हैं आप इजीली फ्लिक कर सकते हो इसको राइट या ओके मतलब सिटी में ब्राउज करने के लिए काफी अच्छी है आई थिंक या सिटी में ब्राउज करने के लिए काफी अच्छी बाइक ओके। एंड इसकी कुछ एक आध या पांच अगर आप नेगेटिव चीज बताना चाहो तो क्या कुछ अगर अभी तक फील हुई हो आपको? नेगेटिव देयर आर नो सच नेगेटिव्स बट मेरी धीरे नहीं चलती, धीरे नहीं चलती नहीं, वैसे मैंने 6th गियर पे शायद 45 टच किया था हाँ। तो दिस इज द रिफाइनमेंट जो कावासाकी की है कि दिस इज समथिंग ऑन अनदर लेवल, क्योंकि 6th गियर पे 1000cc बाइक 45 टच कर रही है तो आप इजीली सिटी में जा सकते हो, बट ये है कि अभी तक आपको कुल मिला के इसकी कोई गलत चीज नहीं मिली। गलत चीज लगी एक छोटा सा इशू जिसमें था, वो हर ZX-NR में आता है, वो स्टाइलिंग का इशू ओके। व्हेनेवर यू जस्ट फ्लिक अ थ्रॉटल द बाइक शट डाउन्स, बट वो मेरे मैकेनिक ने फ्रॉम कावासाकी फ्रॉम मुंबई कैफिन ने उसको ठीक करवा दिया था ओके। द बाइक यूज टू शट डाउन व्हेनेवर यू फ्लिक द थ्रॉटल राइट शट डाउन, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है इसमें ओके। तो वो प्रॉब्लम मुझे इसके पास फेस नहीं, वो प्रॉब्लम होता है वैक्यूम की ओके। अपना फ्यूल भोपाल में बहुत खराब मिलता है अपन हाँ राइट, तो उसके कारण इसके ना हाई परफॉर्मेंस बाइक है तो उसके कारण इसने थोड़ा कचरा पकड़ लिया था। अच्छा ओके, मिलके काफी अच्छा लगा भाई आपसे, मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट राइड पे। लॉन्च कंट्रोल है स्पीड लिमिट कर दी उसने हाँ। अब इसके बाद आपको उसके ब्रेक छोड़ना होता तो ये लॉन्च कर दिए ओके 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 बाय गाइस बाय सी यू। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन हिट करें, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।